दूसरी जानिब सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गाजा में फौरी जंग बंदी जरूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें इसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। अरब मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकिन से मुलाकात से कबल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजराय खारजा के ग्रुप ने कहा कि हमास की अस्करियत पसंदों और इसराइली फौज के दरमियान फलस्तीनी इनक्लेव में होने वाली लड़ाई को फौरी तौर पर रोकने पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। फैसल बिन फरहान ने अपने बयान में कहा कि फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए एक काबिले एतबार रोड मैप भी होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद का इजहार करते हुए ये भी कहा कि अमेरिका में हमारे शराकत दार इस मसले के हल के लिए मजीद काम करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि वो मजीद कुछ कर सकते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।